स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था, इसका जो आज का स्वरूप है वो एक या दो दिन की पैदाइश नहीं है। उसको डेवलप होने में, विकसित होने में काफ़ी समय लगा, जिसमें एक बड़ा अहम किरदार रहा ब्रिटिशर्स का। ब्रिटेन में एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट ने, जो वहाँ की महारानी थी या क्वीन थी, उससे एक चार्टर लिया, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम। इससे एक चार्टर लिया इंडिया में ट्रेड करने का, व्यापार करने का। इस चार्टर के तहत ये जो ग्रुप ऑफ मर्चेंट था, यही इंडिया में व्यापार करेगा। इसके अलावा ब्रिटेन का कोई भी ट्रेडर या कोई भी व्यापारी वहाँ ट्रेड नहीं कर सकता था। इस चार्टर के तहत 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसने इंडिया में ट्रेड शुरू किया। ये ट्रेड 1765 तक, या ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 तक एज अ ट्रेडर फंक्शन करती रही। लेकिन भारत में दो युद्ध हुए, ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन राजाओं के बीच, भारतीय राजाओं के बीच। एक युद्ध 1757 का, एक युद्ध 1764 का। ये बड़े ही अहम युद्ध थे। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर। ये जो 1764 का युद्ध था, बैटल ऑफ बक्सर, इसका अंत हुआ एक ट्रीटी से। 1765 की एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। इस ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के चलते कंपनी को दीवानी राइट्स मिले, पहली बार दीवानी राइट्स मिले। अभी तक तो कंपनी एज अ ट्रेडर ही भारत के अंदर फंक्शन कर रही थी, लेकिन दीवानी राइट प्राप्त हो जाने के बाद इसने यहाँ टैक्स कलेक्शन भी स्टार्ट कर दिया, जिससे जो मेजर फंक्शन हुआ वो ये हुआ, कंपनी के अंदर करप्शन आ गया। इस करप्शन की वजह से जो कंपनी के ऑफिसर थे, वो तो अमीर होते गए, मगर जो कंपनी थी वो डेब्ट में जाने लगी, कर्जे में जाने लगी। इसको देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कुछ एक्ट्स बनाए, जिनका एम ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंपनी के अफेयर पर कंट्रोल करना था। इन एक्ट को कहा गया चार्टर एक्ट। इन एक्ट को कहा गया चार्टर एक्ट। ये एक्ट 1793 और 1853, 1853 यानी कि हर 20 साल में, every 20 years में, ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाती रही। इन एक्ट में जो सबसे पहला एक्ट था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सत्रह सौ तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट ने जो दो मेन मेजर काम किए, या मेन काम किए, मुख्य काम किए, वो ये थे कि एक तो इसने जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फंक्शन थे उनको रिकॉग्नाइज किया। दूसरा, इंडिया में फाउंडेशन यानी नींव डाली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की किस तरह? इनकी तीन प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी 1773 में। इनकी तीन प्रेसिडेंसियां थी, बॉम्बे, मद्रास
बंगाल, इन तीनों के गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और इसको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई जिसमें 4 मेंबर्स थे। ये इन दोनों के ऊपर, या इन दोनों को, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को, बंगाल की प्रेसिडेंसी का सबोर्डिनेट बनाया गया, यानी एक तरीके से पावर का सेंट्रलाइजेशन किया गया। और दूसरा काम जो इन्होंने किया, कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज करने का, उसके चलते इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इन्होंने रिस्पॉन्सिबल बनाया है, आंसरेबल बनाया टू दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी अब कंपनी के जितने फंक्शन होंगे, जितने डिसीजन होंगे, उन सब की, या टैक्स कलेक्शन वगैरह की, रेवेन्यू वगैरह की सारी रिपोर्ट ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा। इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब वो रिस्पॉन्सिबल हो गई, उत्तरदायी हो गई गवर्नमेंट की। और जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उनको प्राइवेट ट्रेड और ब्राइब एक्सेप्ट करने में से प्रतिबंधित कर दिया गया, मना कर दिया गया कि आप कोई ब्राइब एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही कोई प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं। प्राइवेट ट्रेड मतलब कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी, तो इसके अलावा आप अपना अलग से ट्रेड या अपना अलग से व्यापार चालू नहीं कर सकते, व्यापार स्टार्ट नहीं कर सकते। और दूसरा दूसरा मेजर चीज जो इन्होंने की वो थी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में, फोर्ट विलियम्स में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया इस एक्ट ने 1774 में। अब इसमें एक बिल आता है सेटलमेंट एक्ट 1781। हुआ ये कि सारी पावर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में चली गई, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको ये सूट नहीं करा, ये जो एक्ट था सूट नहीं किया, तो उन्होंने गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड ठीक से नहीं किया, जिसके चलते एक कॉन्फ्लिक्ट आया। उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए फिर गवर्नमेंट ने एक एक्ट और निकाला, सेटलमेंट एक्ट 1781, जिसने 1773 के एक्ट में कुछ चेंज किया, परिवर्तन किया। वो परिवर्तन इस तरीके से है कि इसने जो सुप्रीम कोर्ट था उससे एग्जेप्ट कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया, किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, और जो कंपनी के सर्वेंट है उनके ऑफिशियल एक्शंस को। यानी कि अब ये सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे, उसको आंसर नहीं करेंगे, लेकिन कंपनी के सर्वेंट पर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ही रहा। दूसरा काम इसने किया जुडिशियल सेपरेशन का। जुडिशियल सेपरेशन मतलब इसने जो रेवेन्यू मैटर थे या कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड जो मैटर थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया। इस तरह इस सेटलमेंट एक्ट 1781 से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पावर थी वो और बढ़ गई। फिर इसमें दूसरा एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स, विलियम पिट, उस टाइम पे ब्रिटिश के, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इनके नाम से ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इस एक्ट में इन्होंने जो कंपनी के कमर्शियल अफेयर थे और पॉलिटिकल अफेयर थे, कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन, उनको अलग अलग कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मिलिट्री, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेगा, और जो ईआईसी है, ये बोलो कि
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल फंक्शन देखेगा, वो पॉलिटिकल फंक्शन नहीं देखेगा। पॉलिटिकल फंक्शन के लिए इन्होंने एक नई बॉडी क्रिएट कर दी जिसको बोला बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस तरीके से एक डबल गवर्नमेंट आ गई, कमर्शियल फंक्शन अलग लोग देखेंगे और पॉलिटिकल फंक्शन अलग लोग देखेंगे। इसी एक्ट के तहत जो कंपनीज की टेरिटरी थी उनको पहली बार ब्रिटिश पोजेशन कहा गया, ब्रिटिश पोजेशन। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मिलिट्री प्लस पॉलिटिकल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव या रेवेन्यू फंक्शन जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर आ गए 1784 के एक्ट के। इसके बाद आता है, इसके बाद दो एक्ट और आए 1793 और 1813, जिन्होंने सिर्फ मतलब मेजर कोई काम नहीं किया। ये 1793 और 1813 के एक्ट में इनका जो मेजर काम रहा वो सिर्फ जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसकी पावर बढ़ाने का ही रहा, उसको और मजबूत करने का ही रहा। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। पहले जो था वो कंप्लीटली जो गवर्नर इसकी बॉम्बे और मद्रास जो दो प्रेसिडेंसी थी जो सबॉर्डिनेट बनाई गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, उनकी कंप्लीटली लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को नहीं दी गई थी। लेकिन जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, यानी ब्रिटिशर्स की जितनी भी टेरिटरीज थी उन सब के लिए एक ही गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब उन सब की बाकी टेरिटरीज की जो लेजिस्लेटिव पावर थी बॉम्बे मद्रास वगैरह की, वो सारी की सारी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गई, उनके पास से खत्म हो गई पूरी तरीके से। इस तरीके से एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जो ब्रिटिश टेरिटरीज में इंडिया मतलब ऑल ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके से तैयार हो गई, जिसके पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर थी, यानी कि सिर्फ इसी के पास अब लेजिस्लेटिव पावर होगी, बाकी किसी टेरिटरी है कोई बॉम्बे या मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज है उनके पास नहीं होंगी। सारी की सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स भी इसी के पास होंगी। इस एक्ट में एक इम्पोर्टेंट काम ये हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन थे गवर्नर जनरल के, उनको उनमें एक डिस्टिंक्शन लिया है कि यानी कि अगर कोई भी काउंसिल मेट होगी, भाई काउंसिल एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए भी काउंसिल की मीटिंग होगी, लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए भी वही काउंसिल की मीटिंग होगी, लेकिन जब ये लेजिस्लेटिव को फंक्शन के पर्पज से मिलेंगे तो इसके लिए एक लो मेंबर और इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस तरीके से एक डिस्टिंक्शन आ गई कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन में, लेजिस्लेटिव फंक्शन में एक लो मेंबर का और इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसके बाद एक में इसके बाद जो नेक्स्ट चार्टर एक्ट है 1853, ये बड़ा ही मेजर एक्ट है। इसमें गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जो हमने काउंसिल पढ़ी थी 4 मेंबर की, उसको सेपरेट कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग कर दिए गए, लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग कर दिए गए, और लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई गई जिसमें 6 नए मेंबर ऐड किए गए, जिसमें कि 4 लोकल रिप्रेजेंटेशन था, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट थी आगरा बॉम्बे बंगाल मद्रास की, 4 उनमें से होंगे। इसमें इन्होंने एक चीज और की, ये जो 1833 का एक्ट था इसमें इन्होंने एक इंट्रोडक्शन किया था कि जो सिविल सर्विसेज होंगी, सिविल सर्विसेज में इंडियन को अलाउ करने की बात कही गई थी कि इंडियन को अलाउ कर दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के इंटरवेंस के या अपोजिशन के चलते इस चीज को वापस ले लिया गया, लेकिन 1853 में इसको फिर ले आया गया और लागू किया गया। पहले होता यह था कि जो सिविल सर्वेंट थे, जो सिविल सर्विसेज थी, सिविल सर्वेंट थे
उनको स्कॉलरशिप मिलती थी या स्पॉन्सरशिप मिलती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, यानी EIC से स्पॉन्सरशिप पाते थे, स्पॉन्सरशिप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। अब होगा क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अगर स्पॉन्सरशिप देगा तो ये स्टडी के लिए जाएंगे हेल्सबरी कॉलेज लंदन, लंदन में एक कॉलेज है हेल्सबरी, हेल्सबरी इस कॉलेज में जाएंगे स्टडी करेंगे। स्पॉन्सरशिप अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की है तो लॉयल किसके होंगे ये, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो यहाँ से सिविल सर्विस सर्वेंट्स निकलेंगे, सिविल सर्वेंट्स निकलेंगे वे लॉयल किसके होंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के। तो इस चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सिविल सर्विस को एग्जाम से कर दिया कि एग्जाम के थ्रू जाएंगे, और उन एग्जाम में इंडियन को अलाउ किया गया, इसमें ओपन कंपटीशन यानी एग्जाम स्टार्ट किए गए और इंडियंस को अलाउड किया गया। ये इन्होंने प्रपोज तो किया था 1833 में, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अपोजिशन के चलते इस चीज को 1833 में लागू नहीं किया गया, लेकिन फिर इसको 1853 में लाया गया और यहाँ पे इसको लागू किया गया। ब्रिटिशर्स के जो रूल हैं उनको दो भागों में बांटा गया, एक तो कंपनी रूल और दूसरा एक कंपनी रूल। दूसरा ब्रिटिश रूल या क्राउन रूल। क्राउन रूल कंपनी का रूल रहा 1773 से 1858 तक। 1858 के बाद के रूल को 1947 तक क्राउन रूल कहा जाता है। इसमें जो मेजर घटना हुई थी वो हुई थी 1857, 1857 की क्रांति या रिवॉल्यूशन। अट्ठारह सौ तिरपन तक तो हम पढ़ चुके हैं, और इसके आगे अब शुरू होगा क्राउन रूल, तो उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।